पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध निर्माण को लेकर बहुत ही सख्त है। शासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जिले के अधिकारियों को भी अवैध निर्माण पर रोक लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया जा रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा भी लगातार कार्रवाई करते हुए आज भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा सम्राट अशोक नगर में अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई और उसे सील कर दिया गया। दरअसल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए जोन प्रभारी कबलेश्वर प्रसाद और अवर अभियंता गिरीश पांडे के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई। इस दौरान एमडीए की टीम के द्वारा भवन को सील कर दिया गया। जोन प्रभारी कबलेश्वर प्रसाद और अवर अभियंता गिरीश पांडे ने बताया कि शासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है और अवैध निर्माण को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।